देखभाल जो पानी का घड़ा छूने लेने से उनकी हत्या कर दी जाती है, क्यों ये लोग नहीं जागते हैं? मैं अपने स्वयं के समाज का आह्वान करती हूँ कि इस परिवर्तन की लहर में आओ, चलो घर वापसी की ओर। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जातिगत उत्पीड़न खत्म कब हो रहा है वो बताइए। जब हम इन जातियों को छोड़ेंगे तभी तो जातिगत उत्पीड़न से बाहर आ पाएंगे ना। जातियां हमसे चिपकी पड़ी है या हम जातियों से चिपके पड़े हैं? अभी तो सवाल सबसे बड़ा यही है। सर यही तो हमारी बदकिस्मती मान लीजिए या हमारे समाज की दुविधा रही है। हजारों सालों से हम लोग ये उत्पीड़न सहन कर रहे हैं। हम छोटी जाति के, नीच जाति के शूद्र, समाज के दलित वर्ग के लोग, नीच जाति के माने जाने वाले हम लोगों को इतना नीचा माना जाता है कि हमारी सुनवाई में भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे लिए कोई, हाँ जी, संविधान तो नीचा ऊंच नीच नहीं मानता ना सर। हमारे समाज के लोग ये मानते हैं, हमारे समाज के लोग आज हमारे लिए साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों के लिए जो ऊंचे ऊंचे पदों पर, जो बाबा साहब भीमराव जी की वजह से ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, ऊंची ऊंची संसद में बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, अपनी जाति के, अपने समाज के हैं और फिर भी हमारे साथ एकजुट नहीं हो रहे हैं, एक साथ हम लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजह है? क्या डर है? क्या वो डरे हुए हैं क्या लोग? सर ये तो यही जानते हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। सर डर भी है, दबाव भी है, क्योंकि हमारी जो लोग जो बैठे हुए हैं ना ऊंचे पदों पे, आप क्या सोचते हैं कि सरकारी महकमों में जब काम करते हैं हमारे लोग क्या वो मतलब निश्चिंत होके या खुले तौर पे काम करते हैं? वहाँ पर भी उनके साथ जाति उत्पीड़न पूरी तरह से होता है, उनको वहाँ पर भी दबाव में ही काम किया जाता है। आपने आज किया न्याय हेतु जंग का ऐलान। जी बिल्कुल सर। किससे है जंग आपकी? सर हमारी जंग है मनुवाद के खिलाफ, और वो जो बैठ के जो ये बयानबाजी कर रहे हैं ना जवान काटने के लिए, गला काटने के लिए, हम उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप किस किस का गला काटोगे, आप मंत्री जी का गला काटोगे। देखिए हमारे लिए वो हमेशा तो स्वामी जी भावनाओं में बह गए होंगे, उनको लग रहा ये भावना कौन है सर, इस भावना एक बात बताइए सर, कभी तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, कभी उनकी भावनाएं जो है बह जाती है, उनकी भावनाएं हैं या फिर कोई छुई मुई का पेड़ है जो हल्का सा टच करते ही तो वो आहत हो जाती है, और या कोई नदी है जो बहने लगती है, मतलब हमारी कोई भावनाएं नहीं है क्या? हमारे भी तो कोई भावनाएं हैं। जब हमारे संविधान को बीच सड़क पे जला दिया जाता है, जब हमारे बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, हमारे नेताओं को जब मारने की धमकी दी जाती है, कि हमारी भावना नहीं होती, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर कार्रवाई होनी, हम तो उस चीज का वेट कर रहे हैं ना कि भाई कुछ कार्रवाई हो। हम तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे सर, इसमें और जो कार्रवाई की जो है सर वो कानून के ऊपर, हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो हम बाबा हम चाहते हैं कि कानून के कानून से ही जो भी है लड़ाई कानून के रूप में ही हो, लेकिन हम अपना भी जो कोशिश है वो भी जारी रखेंगे। क्या अंत होगा इसका? सर अंत तो इसका नहीं होगा जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हाँ हमारे बहुजन समाज जाग जरूर रहा है, और मैं ये भी बोलूंगी कि हम अपने आप को अब दलित या ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बहुजन हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमें कांशीराम जी ने एक नाम दिया है बहुजन। आप कहते हैं बहुजन बहुजन, हमें तो नजर आते नहीं है बहुजन। सर आपको कहाँ इकट्ठे हो जाए ये बस, और तो कहीं बहुजन को नहीं आ दिखा। तो सर आप ये बताइए कि आप कैसे इकट्ठा करवाना चाह रहे हो? ये इकट्ठे ही तो हो रहे हैं, ये तो सब बहुजन ही है ना। अगर इकट्ठा हो रहे तभी तो बौखलाहट हो रही है, ये जब इनकी कुर्सियाँ डोलने लगी है ना, इनके सिंहासन जब डोलने लगे हैं तभी तो ये बयानबाजी हो रही है। अच्छा केजरीवाल की कुर्सी भी खतरे में है क्या? सर केजरीवाल जी को तो हम उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि वो इस लायक भी नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ कहें। इस लायक नहीं है बिल्कुल सर, हमारी नजरों से सर जो इंसान बाबा साहब की तस्वीर को लेके उभरा, फिर उसने ये बयान भी दे दिया कि हर जगह पे बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए, और बाद में वो कह रहा है हम ही लोगों को, वो कह रहा है कि ये तो राक्षस की औलादे हैं, ये हैं वो हैं, तो सर ऐसे दोगले इंसान के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? दोगले अंबेडकर साहब के भक्त हैं वो। सर ऐसे भक्तों को तो सर हम रोज देखते हैं, रोज ऐसे भक्त उभरते हैं, रोज ऐसे भक्त नीचे गिरते हैं। सर हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? हम अपने मिशन से जुड़े हुए हैं सर, हम सिर्फ मिशन के बारे में बात करते हैं, किसी पार्टी से हमारा जो काम है, हमारी जो काम है हमारा है मिशन के लिए काम करना। आप कहते हैं कि जाति उत्पीड़न हो रहा है हमारा, उसे खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जाति उत्पीड़न सर राजनीति से मतलब है कि हम अपने दम पे लड़े ना, हम किसी केजरीवाल के लिए या मोदी जी के लिए हम क्यों लड़े?
हम हमारी अपनी भी तो पार्टियां हैं, हम भी तो उभर सकते हैं। सर वो टाइम भी आएगा, आप खुद देखेंगे। आप कह रहे हैं कि राजनीति हम नहीं करेंगे, क्या राजनीति को समाज से हटा सकते हैं क्या सर? राजनीति, अगर हमें अपने आप को ऊपर लाना है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अगर अपने आप को ऊपर लाना है तो हमें आना पड़ेगा राजनीति में। लेकिन अभी जो हम यहाँ इकट्ठे हुए किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं हुए, ना ही किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए। जो राजनीतिक पार्टी जिससे जुड़े हैं अगर वो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे और यहाँ पर वो आ नहीं रहे, आज इनका नंबर है कल उनका होगा, सर यही होगा ना, इससे पहले भी था। लेकिन सर हम तो यही बोलेंगे कि उनको थोड़ी सी भी अगर शर्म है, गैरत है, तो वो अपनी कुर्सी का लालच ना करें, समाज के साथ आए और समाज कल उनके साथ खड़ा होगा। केजरीवाल कह रहे हैं नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दो, सर वो तो किसी की भी लगा देंगे, वो लक्ष्मी गणेश जी के क्या, वो तो हनुमान जी के क्या, अपनी भी लगा लेंगे, उनका तो हम बयानबाजी पर विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि बोलते रहे हम, अब उनको सीरियसली लेते नहीं। आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं या किसी धर्म की आलोचना करने या किसी पार्टी के बारे में बोलने नहीं उठे हैं, पर इकट्ठा हुए हमारे लीडर हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए ऐसी टिप्पणियां जो की जा रही हैं उसके विरोध में खड़े हुए हैं। आप पार्टी को खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? आप पार्टी का नाम ना लें, आप उस भावना को देखें, आप लोगों की भावनाओं को, इन लोगों की भावनाओं को आप लोग नाम लेते हैं। आप हमारी, हम दलित वर्गों की, हम नीचे जाति की, हम हमारी भी तो भावनाएं हैं, हमारी भी तो क्या कहते हैं, जब हमारे छोटे बच्चे को घड़े छूने पर मार दिया जाता है तब ये भावना उखड़ के नहीं आती इन लोगों की। जब हमारे समाज के मूछ रखने पर मार दिया जाता है तब इनकी भावना उखड़ के नहीं आती। मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो वहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी पर, इस बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानते हुए उनकी वजह से आगे बैठ गए हैं, उन लोगों को शर्म करनी चाहिए, उन लोगों को हमारे साथ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। मेरा मैसेज उन पुरुषों के लिए है जो समाज में इस तरीके के संगठनों में जुड़ते हैं, आते हैं, सिर्फ खाली हाथ आते हैं, उन्हें अपने साथ अपनी महिलाओं को लाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की महिलाएं ही हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। एक बच्चे को जब जन्म देती हैं तो वो पहली गुरु कहलाती हैं, वो अपने घर में वही शिक्षा दिशा दे सकती हैं। 4 तारीख को वोट पड़ेगा, सर मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ, आप वोट का नाम ना लें, हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, हम किसी समाज से, आप मत हमें धर्म के बारे में मत वो करिए। मेन है कि किसी पे भी डाल सकते हैं, वोट देने की आपकी खुली आजादी है, आप किसी को भी दे सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है, किसी का किसी पर कोई दबाव नहीं है। सर वोट किसको जाएगा, वो आने वाले जो टाइम है ना, जो वोट का जो रिजल्ट आएगा वो आपको सब बता देगा। हमें किसी समाज, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, ठीक है। हम वो आपका आने वाला टाइम और आने वाले वोट का जो रिजल्ट है ना, वो आपको सब बता देगा कि किसने किसको वोट दिया है। जो आपका विरोध करती है, क्या आप उसके विरोध में नहीं है? कौन सी पार्टी कर रही है, नाम बताइए। सर आप ये बात तो पार्टी कर रही है, मंत्री को निकाल दिया, कैसी बात कर रहे हैं? मंत्री ने निकाला नहीं, उन्होंने सम्मान के साथ इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने समाज के लिए इस्तीफा दिया है। उनको निकालने की ये गाली जो उनको दी गई है ना, ये गाली उनको नहीं दी गई, ये बहुजन समाज के हर व्यक्ति को दी गई है, ये बाबा साहब के मिशन को दी गई है, बाबा साहब की विचारधारा उनकी आइडियोलॉजी को ही गाली दी गई है, ये समाज के हर एक बहुजन व्यक्ति को दी गई है जो इस समाज में रह रहा है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाता है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई धर्म समाज क्यों नहीं आया सर? सभा रखी है, कौन नहीं आया? सर बाहर से भी आए हुए हैं, दिल्ली से बाहर के लोग आए हुए हैं, कैसे कह रहे हैं समाज नहीं आया? 150-200 लोग समाज आए हैं दिल्ली, 150-200 नहीं है यार, 500 लोग हैं सर। ये एकदम से ये, और आपको ऐतराज़, ये एकदम से मैसेज करने पर आया इतने लोग? आप 14 अक्टूबर को थे, कितने हजारों में लोग थे वहाँ पर, आपने काउंटिंग की थी क्या? जब 5 अक्टूबर को लोग आए थे कितने लोग थे, आपने काउंटिंग की थी क्या? बिल्कुल सर, बात करी लोगों से जी, तमाम लोगों का अलग अलग व्यू था। देखिए सर आए तो अपने समाज के लिए थे, व्यू चाहे कुछ भी हो, समाज इकट्ठा हुआ था किसके लिए? अपने हमारे बाबा साहब को जो गाली इन्होंने दी है ना सर, उसके लिए वो समाज इकट्ठा हुआ था, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए समाज इकट्ठा हुआ था। मंत्री जी भी तो उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं के लिए खड़े हुए थे, मंत्री जी तो बाबा साहब के लिए खड़े हुए थे, उसी उन्हीं के सपोर्ट में तो हम थे, हम ये मंत्री जी के लिए नहीं थे, हम राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए थे। आप तो पूरी तरह से मंत्री जी के साथ खड़े हैं? नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जी के, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े हैं, किसी पार्टी के मंत्री के साथ नहीं खड़े। गौतम जी के साथ आप खड़े हैं, आप जी पहले दिन जी, आप वहाँ भी थे
सर मैं जब से मिशन बना है, सर जब से मिशन बना है पहले दिन से मैं साथ हूँ। और जहाँ जहाँ मंत्री जी, और वो 22 प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी, वो 22 प्रतिज्ञा इन्होंने भी ली थी यार, हर खड़े आदमी ने, जो ही खड़े हैं, और हमने कुछ गलत नहीं करा। प्रतिज्ञा हर रोज रोज कहीं ना कहीं ली जाती है सर, तो उसके लिए अगर विरोध होगा। सवाल तो वही ना, आप तो बिल्कुल खड़ी हैं नेता जी के साथ, जी गौतम जी के साथ जी, और गौतम जी आपको छोड़कर खड़े हैं केजरीवाल के साथ। किसने कहा सर, छोड़ दिया भैया, कहाँ छोड़ दिया? अगर हमें हमें छोड़ा होता तो सर यहाँ पर क्यों होते? सर मैं तो पहले भी किसी पार्टी के लिए ना मेरा कुछ अच्छा व्यू था ना बुरा था, ठीक है, और वो हम अब भी यही बोलेंगे, हम किसी पार्टी के विरोध में भी नहीं है, किसी पार्टी के सपोर्ट में भी नहीं है। सर गोल गोल आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो गोल गोल जवाब दिए जा रहे हैं ना फिर आपको।